हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग IRFC यानी कि इंडियन रेलवे एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक शानदार स्टॉक है गाइस, बेहतरीन रिटर्न निकाल कर दिया है पिछले कुछ समय में। हम इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका ढूंढेंगे कि हम भी इसमें बहती गंगा में हाथ धो सकें, और खासकर लॉन्ग टर्म के विजन रखेंगे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर। तो चलिए इसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि स्टॉक कैसा है, बोनस और स्प्लिट को लेकर क्या न्यूज है, शेयर में तेजी कब तक बनी रहेगी, कहाँ पर हमें एंट्री लेना है। एक साल में देखेंगे इसका रिटर्न तकरीबन 400% के करीब पहुंच गया है। पिछले सिर्फ 2023 की मैं बात करूं, 2024 तो अभी शुरू ही हुआ है। मतलब 400% का रिटर्न ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने यदि 1,00,000 रुपए भी इसमें लगाए होंगे तो ये एक साल में तकरीबन 5,00,000 रुपए के करीब बन गया होगा। वहीं पर यदि हम लोग पिछले 6 मंथ 383%, पिछले 1 मंथ में तकरीबन 75% के आसपास रिटर्न निकाल कर दिया है। पिछले सिर्फ 1 मंथ में 75% के करीब रिटर्न निकाल कर देना, ये कोई साधारण बात नहीं होती। यदि यहाँ पे BSE इंडिया की वेबसाइट पर मैं आपको इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के स्टॉक को दिखाऊं तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर ये स्टॉक अपर सर्किट में आपको चलते हुए दिखेगा। आज भी इस स्टॉक ने अपर सर्किट को टच किया है, और ये प्रतिदिन अपने जो 52वीं का हाई है, साल भर का हाई है, वो लगभग उसको ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। आप यहाँ पर नजर घुमा के देख सकते हैं, हर एक दिन लगभग ये 52वीं के हाई को अपने मतलब नया रिकॉर्ड स्टॉक बनाते जा रहा है। पिछले साल जब मैंने इसको वीडियो बनाया था, तकरीबन 25-30 रुपये करीब जो इसका प्राइस रहा होगा, उस समय लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यह स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़ सकता है। जाहिर सी बात है, स्टॉक के शेयर प्राइस में तेजी आना बनता था, क्योंकि ये जिस तरीके का काम काज है उसके हिसाब से तेजी आएगी। देखिए, कॉर्पोरेट एक्सपेंस में जो आप देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि कंपनी ने अभी कोई बोनस शेयर्स का अनाउंसमेंट नहीं किया है। अंतिम बार डिविडेंड का ही अनाउंसमेंट किया था, अभी तक सिर्फ ये स्टॉक डिविडेंड देता है। तकरीबन हर साल ये 2022 से देखा तो डिविडेंड देता है, 2024 में भी आपको डिविडेंड मिलेगा। 2024 का डिविडेंड अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उसका होगा तो मैं उसके बारे में अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल बोनस शेयर्स को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं है। IRFC अभी कोई बोनस नहीं देने जा रहा है। डिविडेंड का लास्ट टाइम अनाउंसमेंट किया था, इस बार भी डिविडेंड ही आएगा। अब चलिए यहाँ पर समझते हैं IRFC जो स्टॉक है, ये स्टॉक कैसा है, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है। एक दिन की तेजी की बात करें, सिर्फ आज के डेट में देखेंगे, आज फ्राइडे है, यहाँ पे तकरीबन 10% की तेजी एक दिन में देखने को मिली है। यदि हम लोग इस कंपनी के काम को समझे तो ये बेसिकली फाइनेंस का काम करती है। ये फाइनेंस करती है जो हमारी इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे को कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, उसके लिए जो पैसों की जरूरत होती है, वो पैसा कौन मुहैया कराता है? ये जो कंपनी है IRFC, ये मुहैया कराती है। ये स्पेशल इसी के लिए बनी है कि रेलवे को किसी भी चीज़ के लिए पैसे की जरूरत है तो ये रेलवे को पैसा देता है, और रेलवे उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद उससे जब इसकी कमाई होती है तो वो पैसा ब्याज के साथ फिर से IRFC को लौटा देता है। तो इसी तरीके से IRFC कंपनी की मोटी कमाई होती है। और रेलवे की कमाई के बारे में आप सभी जानते हैं, रेलवे का तगड़ा कमाई होता है, चाहे हर एक प्रकार से हो, किसी भी प्रकार से रेलवे। देखिए, ये भले कहने के लिए रेलवे घाटे में नहीं, रेलवे बहुत मुनाफा में है, और जितना भी पैसा कमाता है वो ब्याज के साथ IRFC को रिटर्न करता है, यदि उससे लिया हुआ है तो ये तो आप काम समझ गए। तो काम के बेसिस पे समझे तो ये जो IRFC का भविष्य काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी उज्ज्वल है, भविष्य में भी इसके शेयर प्राइस की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो हमेशा चलते रहता है, और प्रोजेक्ट चलेगा उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये कंपनी पैसा मुहैया कराएगी और फिर इसको रिटर्न के साथ, ब्याज के साथ इसको पैसा मिलेगा। अब चलिए हम फंडामेंटल समझते हैं इस कंपनी का, फंडामेंटल कैसे। तो जाहिर सी बात है, इतनी कमाने वाली कंपनी का फंडामेंटल भी मजबूत होगा। तकरीबन 2,10,000 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। स्टॉक का PE काफ़ी अभी मतलब कह सकते हैं एकदम सही जगह पर, स्टॉक का PE जहाँ पर होना चाहिए। वैल्यूएशन में जो स्टॉक थोड़ा सा महंगा लग सकता है, लेकिन हम चार्ट पर देखेंगे हमें कहाँ पे उठाना है। बुक वैल्यू से शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर है, जो कमाल की बात है। और रिटर्न ऑन इक्विटी और जो ROC है, यह अभी डबल डिजिट में है, यानी कि जैसा होना चाहिए एकदम वैसा है, कई मामलों में तो परफेक्ट भी है। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझे तो ये स्टॉक देखेंगे, यहाँ पे जब कंसोलिडेट कर रहा था पिछले कुछ दिनों में, आप सभी जानते हैं कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर गया और लगातार ऊपर ही जा रहा है। अभी देखिए, अभी इसमें नए व्यक्ति को एंट्री नहीं लेना है जब तक कि प्राइस रिट्रेसमेंट करके नीचे ना आए। जहाँ से रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा और जब उठने लगेगा वहाँ पर हम एंट्री लेंगे। अभी सिर्फ देखते हैं ये स्टॉक कहाँ तक जा रहा है। जिसके पास पहले से ये स्टॉक है वो मजे में होंगे, वो अपने स्टॉप लॉस यदि लगाए हैं, ये स्टॉप लॉस तो खैर डिलीवरी में लगता नहीं है, आप जहाँ तक टारगेट सेट किए वहाँ तक जाते रहिए, और जहाँ जहाँ इसमें गिरावट का मौका मिले वहां पर आप एवरेजिंग कीजिए। एवरेजिंग करते रहिए, उससे आपका एवरेज प्राइस नीचे आएगा और फिर शेयर प्राइस जितना ऊपर जाएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। नए व्यक्ति को अभी इंतजार करना है इसको रिट्रेसमेंट के लिए, जहां पर रिट्रेसमेंट करके प्राइस उठने लगेगा वहां पर आप एंट्री लीजिएगा। क्वार्टरली रिजल्ट को समझे, क्वार्टरली रिजल्ट से ये पता लगता है कंपनी का फंडामेंटल कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे सेल्स, कह सकते हैं कि धीरे धीरे कंपनी का सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार बढ़ा ही है। सेल्स से नहीं बढ़ा है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए ही दिखा। यहाँ पे देखिए, शुरू से ही देखेंगे तो नेट प्रॉफिट बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था, लेकिन अभी लगातार कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। अभी कंपनी के दिसंबर क्वार्टर यानी कि Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें कंपनी को मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। और एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद इस स्टॉक का प्राइस आपको और भी तेजी से ऊपर जाते हुए दिखेगा। IRFC का सबसे मेन फंडा है कंपनी का जो काम है, काम के बेसिस पे कंपनी का डिमांड,
और कंपनी के शेयर प्राइस का डिमांड हमेशा रहेगा। सरकार को लेकर जो रेलवे के लिए सोच है, जो थिंकिंग है, उससे भी काफ़ी रेलवे स्टॉक को बेनिफिट मिलने वाला है। अभी बजट आने वाला, बजट के बाद इस स्टॉक के प्राइस में और भी तेजी आने के चांसेज हैं। तो यदि आपको मौका मिलता है तो आप IRFC में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचिएगा। बाकी इससे रिलेटेड मन में कोई सवाल होता है, कोई डाउट होता है, तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिए। इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जरूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।